सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। पीएम मोदी का ये मंत्र दुनिया को रट लेना चाहिए। अगर आने वाले वक्त में ऊर्जा जरूरतों को बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए पूरा करना है तो सूरज देवता का सहारा तो लेना ही होगा। पीएम मोदी तो अपने कमिटमेंट पर अडिग हैं और उसी की वानगी है कि अब भारतीय रेलवे ने भी अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन की मेगा योजना पेश कर दी है। रेलवे ने अपनी 51,000 हेक्टेयर खाली पड़ी जमीन पर 20 गीगावाट सौर बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है। ये कितनी बड़ी योजना है इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि 2030 तक 33 बिलियन यानी 3300 करोड़ यूनिट से अधिक ऊर्जा खपत को रेलवे सौर ऊर्जा के द्वारा ही पूरा करने लगेगा। मौजूदा वक्त में रेलवे की ऊर्जा खपत 20 बिलियन यूनिट है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने इस कदम के बाद भारतीय रेलवे पूरी तरह से ग्रीन मोड में आ जाएगा। रेलवे की पीएसयू ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने पार्सल की खाली जमीन पर भी सौर पैनल लगाने के लिए निविदा जारी की है। रेलवे ने वाराणसी, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जयपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद और हावड़ा समेत 960 से ज्यादा स्टेशनों को सौर ऊर्जा से लैस कर दिया है। 550 नए स्टेशनों से 198 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाएगा। वो वक्त दूर नहीं है जब रेलवे इस योजना के जरिए अपने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ऊर्जा के, बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा।